दोस्तों अगर आप भी घर बैठे कमाना चाहते हैं लाख दो लाख महीने के तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यार ऑनलाइन अर्निंग की। जैसा कि आप इंस्टाग्राम टिकटॉक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूँ कुछ टिप्स और बताने वाला हूँ कुछ इजी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अर्निंग के जहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं थिंक अबाउट टेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा, वीडियो पसंद है तो मेरे कंटेंट को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अब दोस्तों पहले मैं आपको कुछ टिप्स शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दो तीन प्लेटफॉर्म बताता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के। तो यार सबसे पहला टिप्स यही है दोस्तों कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए ऑनलाइन अर्निंग में, क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन होता है दोस्तों। कुछ समय मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन होता है तो कुछ मतलब आपको सालों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस पर, तब जाके आप अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर पाएंगे दोस्तों। तो पहला टिप यही है कि आपको पेशेंस रखने का ज़रूरत पड़ेगा। ये नहीं कि यार नहीं हो रहा है तो यार एक बार किया दो बार ट्राई किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा इस पर। तो पहला टिप मेरे तरफ से यही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं यार दूसरे टिप की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वाला माइंड चाहिए, आपको काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च करना चाहिए, तब जाके अगर आप मतलब रिसर्च कर ले रहे हैं तभी जाके आप अपने जो भी आप ऑनलाइन अर्निंग में किसी भी ऑनलाइन अर्निंग में कुछ भी करें तभी आप उस पर सक्सेस पा पाएंगे। आपको अपना टाइम भी उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें रिसर्च करने में, तब जाके आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यार जो पेशेंस है ठीक है वो कर लिया आपने, रिसर्च कर लिया। अब दोस्तों बात होता है यार इसमें किस्मत की भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है कि कुछ समय मतलब कुछ बार ऐसा भी होता है कि रातों रात आपके कंटेंट जो है वायरल हो जाते हैं। जैसे आपका कोई वेबसाइट है तो रातों रात ट्रैफिक आना बढ़ जाता है दोस्तों, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब किस्मत तो आपके हाथ में नहीं है, पर आप मेहनत लगातार कर सकते हैं अपने कंटेंट पे, जिससे कि यार एक नहीं दो नहीं कभी ना कभी तो किस्मत साथ देगी, तो उस समय आप ग्रो कर पाएँ। तो दोस्तों ये तीन जो मेरे तरफ से टिप्स हैं, अगर आप इन टिप्स को मतलब अपने मतलब ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं अगर आप इन तीन टिप्स का ख्याल रखें तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब बात करते हैं यार मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पहला प्लेटफॉर्म है, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मतलब काफ़ी सही अभी प्लेटफॉर्म वही होता है ब्लॉगिंग करना। तो दोस्तों आर्टिकल लिख सकते हैं आप इस पर, अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो यार काफ़ी सारे कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जाए सर्च कर लें। और नहीं अगर आप चाहते कि मैं डेप्थ वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर तो कमेंट सेशन में बताना ना भूलें इसके बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं यार दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में। तो दूसरा प्लेटफॉर्म आपका ये है यूट्यूब, आपका काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर यार ये सारे प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, खास करके यूट्यूब पे। पहले आपको काफ़ी 4000 घंटे का वॉच टाइम, आपको 4000 घंटे या मिनट का वॉच टाइम आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं एडसेंस को एक्टिव कर पाएंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर भी आप काफ़ी मतलब ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हाउ आई गेट रिव्यू यूनिट और स्पॉन्सरशिप, तो अगर आप मन लगा के करना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उस वीडियो को देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार एडसेंस नहीं काम करेगा तब भी आप कैसे अच्छा खासा रेवेन्यू उससे कमा पाएंगे, और उसमें भी मैंने कुछ बताया हुआ है अपने अर्निंग के बारे में कि यार मुझे स्पॉन्सरशिप और रिव्यू यूनिट से क्या हो जाता है क्या नहीं होता है। तो यार उसमें आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो दो प्लेटफॉर्म ये हैं, और तीसरा है आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं दोस्तों, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, अपना मतलब खुद का आर्टिकल आप लिख के अगर आप उनको देते हैं तो उसके भी आपको पैसा मिलता है दोस्तों। तो यार ये सब भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, पर मैं आपको अगर अभी अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक नॉलेज के साथ अगर आपको करना है तो आपको ये दो प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए बेस्ट हैं, और आगे भी है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं, पर यार उसके लिए आपको भी उस पर भी मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर चाहिए उस पर, फेक नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी का डिमांड रहता है कि आपके जैसे कि स्टोरी मतलब आपको डालने को बोलता है तो कंपनी देखता है कि आपके स्टोरी पे कितने व्यूज़ आते हैं, तो वो फेक करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दो जो मैंने आपको बताया आप उस पर मेहनत करें तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाएंगे दोस्तों, और मेरे जो तीन टिप्स हैं उसको बस ध्यान रख के आप ये सब काम करें तो काफ़ी अच्छा आप कर पाएंगे दोस्तों। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि काफ़ी आसान नहीं है, आपको पहले बेस क्रिएट भी करना पड़ेगा, आपको एक तगड़ा ऑडियंस रिटेंशन चाहिए। जैसे कि आप जैसे जैसे आप डालेंगे एक नहीं दो नहीं ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए यार आपको भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपने तरफ से, और ऐसा ही सपोर्ट आपको ऑडियंस की तरफ से ही चाहिए, तो मेहनत लगातार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स मैंने आपको शेयर किए, कि पहले मैं अब सबको समअप कर देता हूँ सारे टिप्स को।
तो पहला है आपको अपने पेशेंस पे काम करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने कंटेंट के ऊपर, और तीसरा किस्मत है तो यार आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो अब दोस्तों ये जो मैंने चौथा बताया कि यार आप अपना बेस काफ़ी मजबूत कर लें, कंटेंट रेगुलर डालते डालते आपका बेस अपने ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा, एक बार आपके जो एक्टिव व्यूअर्स हैं वो आ जाएंगे आपके चैनल पे तो आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। अब दोस्तों चौथा मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ यार दो प्लेटफॉर्म की, मैंने आपको अभी दो प्लेटफॉर्म बनाए हैं, ब्लॉगिंग और यूट्यूब। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं और अलग से वीडियो बनाऊँ तो यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। इसी टाइप के काफ़ी सारे कंटेंट हैं, इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक के काफ़ी मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।